बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना था, यहाँ पे बहुत अहम गुफ्तगू समझ लीजिए आप लोगों के साथ है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, जैसा कि आप सबको पता है कि कॉमर्स का उर्दू लाजमी का पेपर हो चुका है जो कि 23 जून आज हुआ। तो एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कॉमर्स ग्रुप में बेटा जैसा कि आपको मैंने आप लोगों के साथ मैंने एक गेस्ट पेपर शेयर किया था फर्स्ट ईयर के लिए, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करेंगे, साइंस के भी उसी को करेंगे, उनके अकॉर्डिंग मैंने जो है कुछ इस तरह के मतलब वहाँ पर आपको खुलासे, मरकज़ी ख्याल और कुछ ऐसे आपको और कुछ शायराना खसूसियात और इस तरीके से नसर निगार की खसूसियात वगैरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ बताए। वहाँ मैंने आपको खाका भी बताया, वहाँ मॉडल पेपर जो पहले आया था जब आपकी बुक चेंज हुई थी ज़रा उसके अकॉर्डिंग आया था, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसमें बेटा एक चीज़ पहले मैं आप लोगों को सारी बातें बताती चलूँ, बच्चे वीडियो को आधा देखते हैं, पूरा वॉच नहीं करते, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो रह जाते हैं। आप कहेंगे शायद मिस अपना व्यू बढ़ाने के लिए करी ना, आप बेशक जो है वो ना देखें उसको, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन में चले जाया करें। उन्हीं के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह के PDF वगैरह रखे होते हैं ताकि इजीली आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकें। अगर मुझे अपना व्यूज़ ही बढ़ाना हो या अपना वॉच टाइम ही लेना हो बच्चे, तो मैं आपको कभी भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ना दूँ। पहली बात तो ये, जिन बच्चों ने कॉमेंट किया था ये जवाब उनके लिए है और मेरा काम बच्चों को सपोर्ट करना है। ये बात वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि आप लोगों के भी नंबर ना कटे। 8 नंबर आप लोगों के जा सकते थे अगर ये वाली वीडियो मैं नहीं बनाती, और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ अभी तक किसी ने भी ये वाली वीडियो चैनल पर नहीं बनाई होगी आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो 8 नंबर आप लोगों के जो है वो जा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने मेरा गेस्ट पेपर तो फॉलो करना ही करना है, पहले वो जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आप उसको वॉच करें। उसके PDF के में आप लोगों को MCQs का PDF भी मिल जाएगा और पूरी बुक का सॉल्व PDF भी मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन पेपर भी मिल जाएगा, पहले वाला मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, और जो उर्दू का खाका इंटर बोर्ड एजुकेशन कराची ने दिया था 2022 के लिए और आइंदा आने वाले सालों के लिए वो भी मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रखें और फिर पढ़ा करें। ठीक है जी, आ जाते हैं, अपने मुख्तसर करते हैं अपने ये लेक्चर को। यहाँ आए देखें बताने का मकसद क्या है और आज का ये मकसद इस वीडियो का क्या है। दर्द जैल अशार में से कि दो की तशरीह वगैरह ये तो आप लोगों को सब पता है, ठीक है जी, ये तो आप लोगों ने करनी है सारी। लेकिन बेटा मेन बात यहाँ आए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है आज, जहाँ से बच्चों के 8 नंबर चले गए। यहाँ पर खाका में जो है वो दर्द जैल में से किसी एक बंद की तशरीह करनी थी। मैंने आप लोगों को चॉइस दी थी, या तो आप बंद की तशरीहात वगैरह कर लें या फिर आप मरकज़ी ख्याल कर लें बंद का, ऐसे ही मैंने आप लोगों को बोला था ना बेटा। लेकिन यहाँ पर देखें इन्होंने चॉइस नहीं दी, जबकि खाका जो दिया गया था, जारी किया गया था, चाहे वो खाका हो, चाहे कितने भी कोचिंग सेंटर लगा लें, चाहे PC हो, प्रैक्टिकल सेंटर आदन जी हो, या फिर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स लगा लें डिफरेंट कॉलेजेस के, PCHS हो गया, DJ साइंस कॉलेज हो गया, या जो भी आप देख लें, तो खाका में यहाँ पर और का ऑप्शन भी मौजूद होता है इसके नीचे। या तो फिर आप इन बंद की जो है वो तशरीह करें शायरा नज़म के हवाले से करें, या आप उसका मरकज़ी ख्याल करें। बच्चे क्या करते हैं, और मैंने आप लोगों को यही गेस्ट में बताया था कि आप इस बंद को चॉइस में छोड़ दें और जस्ट आप 3 से 4 मैंने आप लोगों को बताया था मरकज़ी ख्याल, कि आपने उन नज़मों के जो है मरकज़ी ख्याल करके चले जाना, तो बंद में मत पढ़िएगा, क्योंकि शायर का लिखना और ये सब तशरीह करना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल हो जाता है। वो 8-10 लाइनें मरकज़ी ख्याल के लिख दी जाए तो नंबर मिल जाते हैं, इसी तरह बताया था। लेकिन बेटा आज मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, जबकि सब में खाका, जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हुए हैं ये खाका में, यहाँ पर मरकज़ी ख्याल में चॉइस थी, जबकि बोर्ड कॉमर्स का जो पेपर आया है बेटा इसके अंदर इस जगह पर इन्होंने कोई चॉइस नहीं दी। तो मेरी बात याद रखें आप लोग भी, बंद की तशरीहात वगैरह उन्हीं जो जो मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताए हैं ना, बस आप उन्हीं इम्पॉर्टेंट के जो है ना बंद करके चले जाइएगा, जो जो मैंने आपको मतलब इम्पॉर्टेंट बताए थे मरकज़ी ख्याल, उनके जो है आपने बंद की तशरीहात कर, उन नज़मों की इस तरह बंद की आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर जानी है बंद की। तो ये आपके 8 नंबर जो हैं बेटा यहाँ से जा सकते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ। बेटा ये अब हेड से 8-10 नंबर जो है बड़ी अहमियत रखते हैं बच्चों के लिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखा देती हूँ इसका, ये MCQs का था, बच्चों ने मुझे मेरे साथ शेयर किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इनमें, देखें सवाल नंबर 5 आ गया डायरेक्ट, इसका मतलब उसमें कोई नहीं था, फाके का रोज़ा भी लग गया, मेरा जेवर का डब्बा भी लग गया, बाबा नूर भी, चारों खुलासे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लग गए, और ये मैंने आपको चॉइस दिए, यहाँ पे इन्होंने चॉइस दे दिए सवाल। मैंने कहा था या तो खुलासे की प्रैक्टिस करके चले जाएँ या सवाल आप छोड़ दें, बेहतर यही रहता है कि आप अच्छा सा खुलासा याद करें, जितने लफ्ज़ों में लिखेंगे उतने नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बड़ा डर था, डाउट था, बच्चे कह रहे थे मिस शायरों और नसर निगारों में और ऐसे में मिस हमें प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद देखें, मैंने आप लोगों को बताया था ना, नसर निगार
और शायराना खसूसियात देखें। अब यहाँ पर शायर मीर तकी मीर मीर दत्त मैंने कहा था याद कर लें, बस नसर निगार भी छोड़ दें। देखें मेरा नसर निगार भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों लग गए, मेरे दो नसर निगार आप लोगों को बजाते सर सैयद अहमद खान और ये मंशा प्रेमचंद और मीर तकी मीर और मीर दत्त। आप लोग नसर निगार को छोड़ दें, सिर्फ आप मीर तकी मीर और मीर दत्त याद करके चले जाएँ और ऐसे को भी आप चॉइस में छोड़ दें, नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ मीर तकी मीर और मीर दत्त याद करके जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपका सेक्शन सी हिस्सा जीम जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बेटा आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा बच्चा यही था कि आपके ये वाले 10 नंबर जो है ना ये बचाने थे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बनती उन्हीं की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाएंगे ताकि आपके नंबर, क्योंकि आज कॉमर्स वाले बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ ये, अफसोस भी इस चीज़ का, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो है, जो इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और आर्ट्स के बच्चे जो है वो कोई गलती इसमें करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है बस हेल्पफुल रही होगी आपके लिए वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।